असल स्टूडेंट्स टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश एंड टुडे इज आवर नाइन्थ लेक्चर ऑफ इंग्लिश स्टूडेंट्स प्लीज काइंडली ओपन योर नोट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डेफिशन द फर्स्ट डेफिनेशन यू हैव ऑलरेडी डिस्कसड इन द क्लास आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू अमॉल रिव्यू डेक्लेटिव सेंटेंस इज अ टाइप ऑफ सेंटेंस विच डिक्लेयर और मेक अ स्टेटमेंट कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें आपको किसी चीज़ की वज़ात जो है वो दी जाए या कोई चीज़ आपको बताई जाती है या सिम्पल सेंटेंस को क्या बोलते हैं डेक्लेटिव सेंटेंस अली इज अ स्टूडेंट ही बिग सिटी आज हम पढ़ेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस स्टूडेंट्स आप इंपेरेटिव सेंटेंस के इधर डेट मार्क कर लीजिए अप्रैल ट्वेंटी इट इज अन्टेंस डेट मेक्स अ रिक्वेस्ट और गिवस अ कमांड इंपेरेटिव सेंटेंसेज स्टूडेंट्स वो सेंटेंसेज होते हैं जिसमें आप कोई भी रिक्वेस्ट करते हैं या आप कोई ऑर्डर या कोई कमांड देते हैं लाइक like, गो टू योर रूम अपने कमरे में चले जाओ ये क्या है एक ऑर्डर है जो आपने दी है नेक्स्ट इज प्लीज लेंड मी योर बुक मेहरबानी करके मुझे अपनी किताब दे दो आ रिक्वेस्ट ये क्या है ये आपकी रिक्वेस्ट है आपने उससे रिक्वेस्ट की है कि मुझे मेरी किताब दे दो तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं स्टूडेंट जिसमें आप लोग रिक्वेस्ट करते हो या फिर कमांड देते हो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर डेट मार्क करें कम टू वर्ड द नेक्स्ट पेज टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द डिग्रीज हम आज डिग्रीज पढ़ेंगे स्टूडेंट्स सबसे पहली चीज़ ये है कि डिग्रीज किस चीज़ की होती है यू शुड अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट डिग्री हमेशा हमेशा एडजैक्टिवस की होती है लाइकवाइज आपने फॉर्म ऑफ वर्ब्स पढ़ी थी ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म तो एडजेक्टिव्स की डिग्रीज होती हैं वर्ब्स की डिग्रीज नहीं होती वर्ब्स की फॉर्म होती हैं एडजेक्टिव्स की डिग्रीज होती हैं एडजेक्टिव की फॉर्म्स नहीं होती एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म जो आपको गिवन होती है वो कौन सी होती है पॉजिटिव सेकंड फॉर्म जो आपको गिवन होती है वो कौन सी होती है कंपैरेटिव और थर्ड फॉर्म जो आपको गिवन होती है वो कौन सी होती है सुपरलेटिव स्टूडेंट पॉजिटिव का मतलब यह है कि एक पॉजिटिविटी में एक बात जा रही है आपकी नाउन की क्वालिटी को पॉजिटिविटी इससे डिस्क्राइब किया जा रहा है कि ये एक ठीक है बात नेक्स्ट कंपैरेटिव डिग्री क्या है स्टूडेंट के इसमें कंपेयर किया जा रहा है दो लोगों को आपस में दो चीज़ों को आपस में या किसी भी एनिमल को किसी भी चीज़ को आपस में सुपरलेटिव डिग्री क्या है विच इज़ द बेस्ट वन ठीक है जैसे आपकी टीचर आपको गुड देती है दैट इज़ पॉजिटिव आपको वो बेटर देती है दैट इज़ कंपेरेटिव डिग्री आपको वो बेस्ट करार करती है सुपर देती है तो वो आपकी सुपरलेटिव डिग्री आई होप कि आपको डिग्रीज की समझ आ गई होगी नो लेट स्टार्ट आपने वन से फाइव तक डिग्रीज आज करनी है काइंडली मैंशन द डेट ओवर ईयर सिक्स फोर ट्वेंटी ट्वेंटी स्वीट स्वीटर स्वीटेस्ट स्वीट का मतलब है मीठा स्वीटर का मतलब है ज़्यादा मीठा और स्वीटेस्ट का मतलब है बहुत ज़्यादा मीठा यंगर Young, यंगस्ट बहुत और बहुत ज़्यादा को हम इसमें ऐड करके जो है डिग्रीज बना रहे हैं हाई का मतलब है ऊंचा हायर का मतलब है बहुत ऊंचा हाइस्ट का मतलब है बहुत ज़्यादा ऊंचा वाइट का मतलब है सफेद वाइटर का मतलब है बहुत सफेद वाइट टेस्ट का मतलब है बिल्कुल सफेद यानी कि बहुत ज्यादा सफेद नोबल नोबलर नोबलेस्ट ठीक है यानी कि जो मेहरबान है काइंड बंदा है वो मजीद नोबलर देन द नोबलेट वन स्टूडेंट नेक्स्ट पेज पे आ जाएं नेक्स्ट इंशाल्लाह आज हम करेंगे आपका ऐसे इलामा मोहम्मद इकबाल हम आज हाफ ऐसे जो है इसको करेंगे और आप इसको इंशाल्लाह लर्न करेंगे इट इज़ वेरी इजी इसको देख के घबराना नहीं है इलामा मोहम्मद इकबाल इज़ अवर नेशनल पोइट इलामा मोहम्मद इकबाल हमारे कौमी शायर हैं ही वॉज बॉर्न इन सियालकोट ऑन नाइन्थ नवम्बर एटीन सेवनटी सेवन वो सियालकोट में पैदा हुए नौ नवम्बर को एटीन सेवनटी सेवन में ही गॉड हेज़ प्राइमरी एजुकेशन फ्राम सियालकोट उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम सियालकोट से हासिल की एंड हायर एजुकेशन फ्राम इंग्लैंड और अली तालीम के लिए इंग्लैंड गए पढ़ने के लिए आफ्टर रिसीविंग एजुकेशन तालीम हासिल करने के बाद ही पिकेम अ लेक्चरर वो एक लेक्चरर बने ही वॉज अ ग्रेट टीचर वो एक अजीम या बहुत बड़े उस्ताद थे फिलासफर फलसफा निगार थे पॉलिटिशियन सियासतदान थे एंड पोइट और शायर थे ही रोट मैनी बुक्स उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी लाइक like, जावेदनामा ये किताब का नाम है किसी इंसान का नाम नहीं है स्टूडेंट्स बाले जबरील एक्सेट्रा एंड मैनी पोइम्स स्टूडेंट्स आपने यहाँ तक ऐसे जो है आज की डेट मार्क कर लें सिक्स अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी आई एम रिपीटिंग अगेन इलामा इकबाल इलामा मोहम्मद इकबाल इज ओवर नेशनल पोइट ही वॉज बॉर्न इन सियालकोट ऑन नाइन नवंबर एटीन सेवनटी सेवन ही गॉट इस प्राइमरी एजुकेशन फ्रॉम सियालकोट एंड हायर एजुकेशन फ्रॉम इंग्लैंड After receiving education, he became a lecturer. He was a great teacher, philosopher, politician, and poet. He wrote many books like Javed Nama, Pale Jabril," etc. and many poems. Students, if I essay, you it your notebooks. Please learn the essay today. Thank you students. Allah Hafiz.